वो भी देख सकती हूँ मेरी पहली कलाओं, एक हाउस, दूसरी कलाओं, एक ठंडा भारत माता की जय, तीसरी कला एक केक। एक मिनट आपको कलर्स बता देती हूँ। ये मैंने करा है वाटर कलर से, ये पेंसिल है, ये भी पेंसिल है, ये भी पेंसिल है, ये भी पेंसिल है, एंड ये सब भी पेंसिल है, ये सब भी पेंसिल है, मतलब पेंसिल कलर सारे जो जो मैं बता रही हूँ वो मैंने पेंसिल कलर से करा। ये वाटर कलर, ये भी, ये थोड़ा ख़राब हो गया था गेट खोलने वाला, ये वाटर कलर से, ये भी वाटर कलर से, और ये भी इसके खिड़की भी, और ये वाटर कलर से, ये भी वाटर कलर से, और ये ब्लैक स्केच, और ये पेंसिल कलर। इसमें 5 बिल्डिंग्स है, 5। दिस इज ये डॉगी बनाया था मैंने 3 और 5 से, मैं पूछ सकती हूँ। पहले आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे हमारा 3 हो गया एक ऐसी करके, फिर एक 5 हो गया, फिर एक 5 हो गया। अब इसे ऐसे ज्वाइंट करना सिखाती हूँ, ये हमारा 3 हो गया ना, और यहाँ से हमारा 3 बन गया था, फिर ऐसे लंबा लेके और ये 5 में ऐसे जोड़ के, उसके बाद ऐसे ही रहेगा ना, और 5 के पीछे से ऐसे ले जा के। अब मैं आपको नीचे का बना सिखाती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक दूसरी ड्राइंग, दूसरी नहीं है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले मैंने फिर 3 बनाया, फिर 5 बनाया, फिर 5 बनाया, फिर कला करना शुरू करी ऐसे ऐसे और ऐसे। तो आपको कैसी लगी मेरी डॉगी ड्राइंग, ऊपर लिख DOG और ये मैंने बनाई मेरी लॉस्ट ड्राइंग। एक्टिंग बहुत हो गई, और वापस के पलट गया करने। ये 5th ड्राइंग है मेरी, 5th देख सकते हो आप। ये कुछ लाइटिंग्स, यहाँ पे थोड़ा वाटर कलर ग्लिटरी करने की सोच रहा है, वाटर कलर से कुछ हो रही हो क्या, पर अच्छा लग रहा है, इतना भी दिख रहा। और ये वो सॉक्स जो चिन्नी के ऊपर टंगती है क्रिसमस पे, यहाँ पे चिन्नी नहीं बनाई मैंने, पर सॉक्स टंगती है लड़की। यहाँ पे 3 और एक ट्री गिफ्ट, एक और गिफ्ट, यहाँ पे नीचे ट्री बर्फ में खड़ा है, बर्फ है, वाइट वाइट, और ये स्नोमैन, ये भी मैंने खुद ही बनाए। कैसा लग रहा है आपको इसका, इसका असली लग रहा है ना, मस्त कलर में। यहाँ पे मैंने लिखा है मायरा ड्राइंग, ये मायरा MYRA मायरा, और ये ड्राइंग लिखा है मैंने, ड्राइंग की स्पेलिंग बताती हूँ DRAWING ड्राइंग। ये मैंने यहाँ पे लिखा अपने ब्रदर का नाम, उसमें थोड़ी हेल्प कर रही थी मेरे साथ, RONEN, और ये गैप देखे DRAWING ड्राइंग। और ये स्नोमैन है प्यारा सा, ये सेंटा, उसके हाथ में कुछ झूला दे नहीं देता, पता ना आपको कोई कमी लगी तो इस प्यारी सी ड्राइंग में, इस डॉगी वाली ड्राइंग में, इस केक वाली ड्राइंग में, इस झंडे वाली ड्राइंग में, और इस वाली। तो बाकी मैंने कुछ नहीं करा, अब मैं आपको थोड़ी और कलाई दिखा रही थी अपनी ड्राइंग बुक के बाद। मैंने कुछ और प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, पहले प्रोजेक्ट लिए कुलचा, इसके शायद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया हुआ। यहाँ पे ये देखो आप, ये बनाया था मैंने गोल्डन, आपको इसके लिए एक रैबिट है, इसके लिए आपको सोच रहे हो कि आँखें कैसे हिल रही है, ये ड्राइंग की बनाई हुई आँखें कैसे हिल सकती है, ये ड्राइंग का बनाई हुई आँखें नहीं है। पहले आपको एक गोल्डन शीट ले लेना, मिल जाएगी आपको कहीं भी स्टेशनरी की दुकान पे ऐसी ग्लिटर वाली, उसके बाद उसे
गोल शेप में कट करना है, फिर यहाँ से ये भी कट कर लेना है। पहले गोल शेप से कट करोगे आप उसे, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ से ऐसे ये कट कर लेना, ये इसके हो गए रैबिट के ईयर्स, है ना। और ये आई यहाँ से ब्लैक स्केच से घिस घिस के आई ब्रो। अगर हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे तो नहीं बनेगा, बहुत लाइट दिखेगा, इसलिए थोड़ा ऐसे ऐसे कर देना है। और यहाँ पे भी सेम आई ब्रो। ये गुगली आई थी, ये भी आपको स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगी 5 रुपये की। ये मैंने लगाई ना। और ये इसके लिप्स बनाए हैं, मेरी मम्मी ने ही बनाए थे, मेरे से कट नहीं हो रहे थे। इसके बाद ये मैंने नॉर्मल पेपर लिया, उसे फोल्ड करके लंबा लंबा उसके ऊपर स्केच से ब्लू कलर कर दिया। और ये है मेरा रैबिट स्किन, प्यारा सा रैबिट। अब तीस लास्ट मेरी चीज़ प्रोजेक्ट है टाइगर, जो मैंने ये भी खुद ही बनाया, क्योंकि मेरे पर मैंने ब्लैक कैरी उसे बनाया पेंसिल कलर से। तो कैसा लगा मेरा लास्ट? तो बाय बाय गाइस, इन सब ड्राइंग के साथ बाय बाय।